सो हे गाइस व्हाट्सअप इट्स योर होस्ट टेक्निकल डॉग्स। आज के वीडियो में एक्टिवा 7G के स्पोर्ट्स एडिशन की नई नई चीजों के बारे में बात करेंगे। होंडा क्या क्या नई चीजें देने वाला है, नए फीचर्स, तो गाइस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls, I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. So guys, सबसे पहली चीज जो है जो चेंज होने वाली है वो होने वाली है, इसमें आपको ब्रेक्स देखने को मिल जाएंगे नई चीज। इसमें आगे पीछे डिस्क ब्रेक्स होंगे, साथ ही साथ क्योंकि डिस्क ब्रेक्स है और हाई स्पीड का स्कूटर है, हाई सीसी का स्कूटर है, इसमें आपको साथ ही साथ ईबीएस देखने को मिल जाएगा। ईबीएस से क्या होगा, आपकी स्टेबिलिटी और सेफ्टी बढ़ जाएगी। पीछे सिंगल स्प्रिंग वाले हाइड्रोलिक सस्पेंशन होंगे और सामने की तरफ टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन मिल जाएंगे। अलॉय व्हील्स देख सकते हो, आगे पीछे दोनों साइड है। आपने शॉर्ट्स में भी देख लिया होगा वीडियो के शुरुआत में ही कि जो हैंडल बार है ऊपर उसका डिजाइन चेंज हो चुका है। जो आपकी हेडलाइट जो है हैंडल में होती थी, अब वो बॉडी के साथ ही आने वाली है। कुछ लोगों को ये डिजाइन काफी ज्यादा पसंद होता है, कुछ लोगों को पसंद नहीं होता है। सामने से देख सकते हो लुक चेंज हो जाएगा क्योंकि स्पोर्ट्स एडिशन का लुक ऐसा ही आने वाला है। जो नॉर्मल जो स्टैंडर्ड एक्टिवा 7G की सीरीज होने वाली है, जो नॉर्मल उसका जो लुक है वो नॉर्मल अपनी होंडा की इंडिया में जो एक्टिवा आती है सारी उनकी तरह दिखने वाला है। इस डिजाइन का ये फायदा होता है कि एरोडायनामिक होता है। इंडिकेटर्स देख सकते हो, थोड़ा इस लेफ्ट साइड में है ये वाला और वो वाला थोड़ी राइट साइड में, इसकी वजह से दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। पीछे भी एलईडी वाले इंडिकेटर्स है, देख सकते हो। सीट का डिज़ाइन हल्का सा चेंज होने वाला है और अंडर सीट स्टोरेज देख सकते हो, एक हाफ साइज का हेलमेट रख सकते हो आप इसके अंदर। साथ ही साथ देख सकते हो फ्यूल फिलर कैप है और वो इसमें अंदर की तरफ दे रखी है, लेकिन आपको इंडियन वेरिएंट में बाहर मिल जाएगा। एक और नई चीज़ देख सकते हो, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल मिल जाएगा पूरा, इस बार रेक्टेंगल डिज़ाइन में आएगा, तो इसकी वजह से काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी हो जाएगी। इसके साथ साथ स्विचेस वगैरह बटन्स के पोजीशन थोड़े बहुत चेंज हो जाएंगे। होंडा की स्मार्ट की भी आपको देखने को मिलेगी इस बार, जैसे कि आप दूर से ही बटन के थ्रू स्कूटी को लॉक अनलॉक कर सकते हो, जैसा कि अपन ने कार्स में भी देखा है। फुटरेस्ट की जगह भी वैसी देखने को मिलेगी, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी क्योंकि स्पोर्ट्स ओरिएंटेड स्कूटर है। गाइस मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया, कि पसंद है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मैं बोलता हूँ आपसे अगले, तब तक अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना और बाय गाइज।